Hello and assalamu alaikum to our mindful community all across the globe and assalamu alaikum Zoya Mirza, हमारे international expert कैसे हैं आप? अब आप बहुत दिनों के लिए गायब हो जाते हैं Zoya, मुझे बड़ी शिकायत है आपसे, आप हमारे साथ दोबारा प्लीज कोई रेगुलर प्रोग्राम्स में आ जाए भाई। कम्युनिटी भी मैसेज करके पूछती रहती है Zoya साहब कहाँ चले गए, मैं खुद परेशान होती रहती हूँ कि भाई क्या हो गया है हमारा। कुछ मेरे ख्याल से आपका भी बिजी स्केड्यूल ऐसा कुछ चल रहा है कि हम किसी मुस्तकिल सीरीज, जैसे जब हम मंडे माइंडफुल कर रहे थे Zoya तो हम बड़ा रेगुलरली मीटअप कर पाते थे, किधर गायब हैं आप? जरा जल्दी बताएं क्या हो रहा है, कैसे हैं? नहीं, बस गायब तो नहीं है। आई थिंक हमारे जो प्रोग्राम जो साथ चल रहे होते हैं उसमें थोड़ी सी प्लानिंग चल रही है, तो आजकल इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे व्यूअर्स ये समझें कि Zoya और Zoya बात नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि Zoya और Zoya कुछ खिचड़ी बना रहे हैं। Yes. और वो खिचड़ी बनाने के लिए उसको कहते हैं प्री प्लानिंग। तो हमारी प्री प्लानिंग चल रही है, तो इसी वजह से जैसे हमारा लास्ट प्रोग्राम हुआ था प्रोजेक्ट फीनिक्स के बारे में, तो आई थिंक इंशाल्लाह अब हम लोग और ज्यादा रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि जितनी हमने प्री प्लानिंग करनी थी कर ली हम कर ली। और अब ये कि आज जिस तरह आपका जो टॉपिक है आज उसी को एड्रेस करते हुए फिर हम दोबारा रेगुलर, मैं अब और रेगुलर हो जाऊंगा। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच Zoya। और आज का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ आवर कम्युनिटी। जब हमने प्रोजेक्ट फीनिक्स प्रमोट एजुकेशन Zoya मिर्जा के साथ लॉन्च किया लास्ट टाइम, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और आप लोग की बहुत सारी दुआएं ऑल अक्रॉस द कंट्री हमारे पास आई है। Zoya आपको भी काफी अपने सर्कल से फीडबैक मिला, मैंने सुना, अगर आप शेयर करना चाहें कम्युनिटी से दैट यू टोल्ड पीपल अबाउट इट द प्रोजेक्ट फीनिक्स। बिल्कुल, मैं अपने ट्रांसपेरेंसी की है हमारे काम का, तो आई थिंक अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि एक गो फंड मी पेज पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अमेरिका से ये पेज लॉन्च होगा तो ऑडिट हो रहा है उसका और उनको डिटेल्स चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ये पैसे फंड्स होंगे। और जो हमने अभी तक हमने अपने जो प्रोजेक्ट फीनिक्स के बारे में बात की है, तो मैं आई लेट यू डिसाइड जब आप ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगी, लेकिन ये कि मैं उनकी डिटेल सारी उनको दे रहा हूँ और वो उस प्रोसेस में उसको वेट आउट करने में। लेकिन गुड न्यूज ये भी है कि हमारे जो जो पाकिस्तानी ओवरसीज जो हैं, जो फ्रेंड्स फैमिली जो मेरे सर्कल में भी हैं, उन्होंने प्लेजेस लेना शुरू कर दी हैं। क्योंकि अगेन मैं क्योंकि हमने लास्ट प्रोग्राम में सिर्फ एक हाई लेवल की बात की थी, तो मैं आई लेट यू डिसाइड जब आप प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में जब बात करेंगी तो उस वक्त लोगों को और पता चलेगा। लेकिन हाईलाइट ये है कि गो फंड मी पेज जो है, जिसमें हमारे फिर क्योंकि वो हर कंट्री में नहीं वर्क करता, तो मिडिल ईस्ट और ईस्ट में नहीं होगा ये, बेसिकली हमारे जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, तो इन मेन कंट्रीज में वो एक्सेसिबल होगा, तो उसपे मेरा काम चल रहा है। और दूसरा ये कि प्लेजेस जो है कुछ लोगों ने अभी से ले ली है, लेकिन ऑब्वियसली अभी उनको बस है कि उन्होंने तैयारियां तो है कि लेकिन उनको पास अभी एवेन्यू नहीं है। आज मिलके बता देते हैं कम्युनिटी को, बिस्मिल्लाह करते हैं कि इस साल 2021 के लिए हमने बहुत सोचने के बाद और डिस्कस करने के बाद, थैंक यू Zoya आपके टाइम के लिए, डेलिब्रेशन के लिए अपनी टीम के साथ, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक हमने एक सब चीजों को फॉलो करके ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रेटेजिक एजिलिटी, जिस तरह Zoya हमें सिखाते चलते रहे और हमें बता रहे हैं व्हाट टू कीप अलाइव इनटू द प्रोजेक्ट। हमने सबसे पहले किरण फाउंडेशन, यस हमारा प्यारा किरण घर, सबीना खत्री का घर, हम सब का घर, हमने किरण फाउंडेशन को अपनी लिस्ट का पार्ट बनाया है। किरण फाउंडेशन बहुत प्यारा काम कर रहा है, हम सब जानते हैं, Zoya आप भी जानते हैं, सबीना खत्री माशाल्लाह अब सितारा इम्तियाज होल्डर भी हैं, और बहुत तेजी से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू सोशल इम्पैक्ट को उन्होंने इनहेंस कर दिया है। तो अब सिर्फ लियारी नहीं है, सिर्फ लियारी की माएँ नहीं है, सिर्फ लियारी के बच्चे नहीं है, अब पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह किरण फाउंडेशन की रोशनी बड़ी तेजी से फैल रही है। और वो सिर्फ एजुकेशन पे भी काम नहीं कर रहे Zoya, आपने जैसे देखा होगा जो पिछली डिटेल्स भी आपसे शेयर की थी, माशाल्लाह बलूचिस्तान उनका प्रोजेक्ट, तुर्बत का, थैलेसीमिया का, पंजगोर का प्रोजेक्ट, सो इट्स फिनोमिनल। सो हमारा पहला जो डिसीजन म्यूचुअल रहा है वो ये कि हम प्रोजेक्ट किरण फाउंडेशन को इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह बाय द एंड ऑफ 2021 हमारे प्रोजेक्ट फीनिक्स के थ्रू हम जितने प्लेजेस थैंक्स टू Zoya एंड ऑल ऑफ आर अदर कम्युनिटी मेंबर्स लाइक यू अराउंड द ग्लोब जमा कर सकेंगे इंशाल्लाह, वो हमारा शेयर हम किरण फाउंडेशन से शेयर करेंगे। और
दूसरा हमारा जो रहनुमा ट्रस्ट एकेडमी का प्रोजेक्ट है, जुएब आप जानते हैं, जैसे कि आपसे भी शेयर हुआ हुआ है और हमारी कम्युनिटी भी जानती है कि हम रहनुमा ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं माशाल्लाह ऑन डेवलपिंग ट्रॉमा सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव स्कूल सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, जो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन है उनके बोर्ड का. अमीना गनी का हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उनकी फैमिली 40 ईयर्स से जुएब सर्व कर रही है एज अ ट्रस्ट इन दिस कंट्री. माशाल्लाह एजुकेशन में भवानी फैमिली का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और उनके पेरेंट्स और ग्रैंडफादर्स तक ऐसे लोग रहे हैं जुएब जिन्होंने पाकिस्तान की फॉर्मेशन, यूथ की डेवलपमेंट और एजुकेशन पे बहुत काम किया है. तो रहनुमा ट्रस्ट अकेडमी का जो शेर पाक कम्युनिटी वाला स्कूल है उसके लिए हम चाहते हैं कि कम्युनिटी के साथ हम चीजें शेयर करते चले जाएंगे कि वो करीबन 15 सालों से नाउ माशाल्लाह शेरपा गोट के बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जिसमें स्किल्स वैली जुएब उनका एक स्कूल है जो एडजेसेंट है बिल्डिंग, जिसमें लड़कियों को और लड़कों को स्किल्स भी सिखाए जा रहे हैं और मैट्रिक तक की तालीम भी दी जा रही है, साथ साथ उसके उनके कॉलेज की तैयारी और बहुत सारी चीजें जो कि हम शेयर करेंगे. तीसरा म्यूचुअली, मैं म्यूचुअल खुद बोल रही हूँ, जुएब आप भी बोल दें कि हाँ मैं अग्री करता हूँ, हाँ हम सब अग्री करते हैं. मेरा मैं यस ऐसे कर रहा हूँ ना, मैं यूं कर रहा हूँ, अग्रीज है कि जो डिसेबल्ड कम्युनिटी जिसको पीपल विद डिसेबिलिटी के तौर पे हम जानते हैं, लेकिन जुएब के साथ और प्रमोट एजुकेशन के साथ और हम एज मेंटरिंग हब सुपर स्टार्स स्पेशली एबल्ड स्टार्स की कम्युनिटी को फॉर्म करने में लगे रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, आप सब जानते हैं. और इसी सिलसिले में हमने अपना जो थर्ड पोर्शन, जो थर्ड पार्ट 2021 का प्रोजेक्ट फीनिक्स का डेडिकेट किया इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से, अल्लाह सुभान ताला की इज़्ज़त से, वो ये कि जितने स्पेशली एबल्ड सुपरस्टार्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको डिफरेंट लेवल्स पे जरूरत है, हम ऐसी कुछ जुएब आप जानते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ गए जो लोग वाकई बहुत इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं और सही जगहों में जहां वो पॉकेट्स में जहां जरूरत है एक्चुअल उस इंसान को जिसकी रसाई नहीं है जुएब टू एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस और टू डिफरेंट थिंग्स, वहां पे वो पहुंच रहे हैं. उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर यावर बुखारी, साथ साथ चेयरमैन बैतुल माल जो अपना सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स करते हैं जुएब, जिसमें जो है खास तौर पे व्हील चेयर गिविंग आउट टू विद इन द कम्युनिटीज, वो ऐसे ऐसे जिलों में जाते हैं वाकई जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते, हमें पता भी नहीं होगा कि इतना रिमोट गाँव कहाँ पर है, जहाँ पे एक एक घर में जुएब कितनी दफा 4 से 5 अफराद है जिनको व्हील चेयर की जरूरत है उनके घर में एक भी नहीं होती. तो इस प्रोजेक्ट फीनिक्स के थ्रू हम ये भी चाहते हैं दैट वी वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल जुएब, सेट एन एग्जाम्पल एज अ कम्युनिटी. और ये हम बताना चाहते हैं कि हम भी तो एम्पावर कर सकते हैं जुएब अपने गवर्नमेंट को, अपने रिसोर्सेज को, जो हमारे आसपास ऐसे रोशन सितारे हैं यावर बुखारी के जैसे और आजम साहब के जैसे जो कि इतना अच्छा कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह कि एक हमारा जो स्पेशल नीड्स का सेक्टर का एलिमेंट है उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सोशल वेलफेयर मिनिस्टर यावर बुखारी का काम और चेयरमैन बैतुल माल आजम साहब के काम को भी जितना add in कर सके in terms of our donations or our other capacities, वो हम जरूर करेंगे. तो announce तो तो आई थिंक मैं आप क्योंकि आपने जो ये जिस तरह समझाया है आई थिंक बिल्कुल क्लियरली आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट फीनिक्स बेसिकली 3 initiatives को सपोर्ट कर रहा है जिस तरह आपने बताया. मैं एक और चीज़ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे मेरे ओवरसीज जो फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनका आया था, तो आई थिंक इस वीडियो में हम ये भी क्लियरली कवर कर लें कि ये कोलैबोरेशन जो मेरी और आपकी हो रही है इसमें किस क्या होगा, इसका वर्क फ्लो क्या है. तो आई थिंक मैं ये इन लोगों को ये शेयर करना चाहूँगा क्योंकि हमने जो प्लेज जो हमने क्योंकि इसमें मेंटरिंग हब का जो होगा वो फेस सामने होगा क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहे और लोगों ने भी कहा है कि अगेन अकाउंटेबिलिटी है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग पैसा नहीं देना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि लोग चाहते हैं कि अगर जोरा कर रही हैं तो मेंटरिंग हब कौन है, क्या है ये. ऑब्वियसली जुएब को भी कोई नहीं जानता और मेंटरिंग हब को ऑब्वियसली यहाँ पे अमेरिका में अभी कोई नहीं जानता, तो ये कि हमने उसको ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है. तो स्टेप नंबर वन ये है कि जो प्लेज जो प्रोजेक्ट फीनिक्स का है फ्रॉम अ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये बात समझना सबके लिए जरूरी है कि ये 3 initiatives हैं जिसमें 2 contributions हैं जुहेब की और जोरा की, और वो क्या हैं कि एक
एजुकेशनल एज एजुकेटर्स जो हम अपना वॉलंटियरली काम करते हैं वो तो हम करेंगे, लेकिन जो मॉनेटरी चीज है वो एक प्लेज है जिसमें हमने 21 लाख की प्लेज ली है, जिसमें ये डिसाइड किया है कि हम 7 लाख किरण फाउंडेशन को देंगे, 7 लाख रहनुमा ट्रस्ट को देंगे और 7 लाख जो डिसेबल लोगों की जो व्हील चेयर्स हैं उस सेक्टर में जो है वो देंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि लोगों की ये राइट है कि उनको पता चले कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है, क्योंकि ये एज इज पैसा जो हम डोनेट कलेक्ट करेंगे, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इसमें हमारी कोई इंटरनल हिडन फीस नहीं है, तो ये एज इज पैसा जाएगा उनके पास। और मेंटरिंग हब जो है एक पेज पे काम करेगा, जिस तरह मैं वेस्ट में अभी शिकागो से बैठा हुआ, मैं गोफंडमी पेज पे काम कर रहा हूँ जिसपे उन्होंने मुझसे बहुत सवाल कर रहे हैं, इसी तरह मेंटरिंग हब एक पेज बनाएगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जो एक, क्योंकि हम एजुकेटर्स हैं और हम ही नहीं अगर अच्छी तरह लोगों को बताएंगे कि हो क्या रहा है तो फिर तो बोलेंगे एजुकेटर्स ने ट्रांसपेरेंटली नहीं बताया। इसलिए मेन चीज ये है कि आपकी वेबसाइट के थ्रू, मेंटरिंग हब के एक पेज के थ्रू, ये जो भी पैसे जमा होंगे किनको जाएंगे करण करण फाउंडेशन में, उनकी एक्नॉलेजमेंट होगी, उनकी रिसीटें होंगी, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स होंगे, और जो पैसे जो फॉर एग्जाम्पल हमने प्लेज लिया कि 21 लाख में से 7 लाख जो हो गए वो जाएंगे करण फाउंडेशन को, तो उन 7 लाख का होगा क्या? तो हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ चेक दे दिया उनको और बात खत्म हो गई। जब मेंटरिंग हब शिकागो से जब मैं पैसे जमा करूंगा वो मेंटरिंग हब के पास जाएंगे और मेंटरिंग हब फिर वो पैसे किरण फाउंडेशन और ये तीनों इनिशिएटिव्स को देंगे, और वो पैसों की फिर पूरी एक ट्रेल शुरू होगी, जिस तरह आप लोग लाइव शोज देखते हैं, आप लोग जिस तरह एक देखते हैं कि भाई हम एक स्टोरी जिस तरह होती है, वो एक जर्नी शुरू हो जाएगी जिसमें सारे व्यूअर्स ओवरसीज जितने भी होंगे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो कॉन्ट्रीब्यूशन करने के बाद मेंटरिंग हब के पेज को बुकमार्क करेंगे, और उस पेज में जब भी अपडेट्स आती रहेंगी हम उनको नोटिफाई उनको ऑब्वियसली वो पेज अगर वो अपना ईमेल चेक करें देंगे तो हम उनको ईमेल भी कर सकते हैं, वरना उस पेज में वो लाइव चीजें ऐड होती रहेंगी कि जब ये 21 लाख के पूरी एक हिस्ट्री और ये तीन इनिशिएटिव्स में जिस तरह चीजें डाली जाएंगी वो क्लियरली लोगों को समझ में आ जाएगा। तो टू रिकैप, प्रोजेक्ट फीनिक्स में तीन मेन इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन सिस्टम एंड एक्सेसिबिलिटी को एड्रेस कर रहे हैं। मैं यहाँ से शिकागो से गोफंडमी की ऑडिट जो चल रही है उस पर काम कर रहा हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। प्लेजेस अभी से जमा होना शुरू हो गई हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अभी हमने प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किया और माशाल्लाह से जो पेट्रियोटिक पाकिस्तानी जो ओवरसीज ऑस्ट्रेलिया में है, आज मेरी इंग्लैंड में बात हुई थी और शिकागो में मेरी बात हुई है, ऑस्ट्रेलिया में भी बात हुई है, तो कुछ कुछ जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो लोग प्लेजेस ले रहे हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म चाहिए पैसे देने के लिए। तो वो जैसे ही पैसे जमा हो जाएंगे फिर वो मेंटरिंग हब के पास जाएंगे। जोरा, वहां से जोरा, अगर मुझे ये भी सवाल आया था कि करेगा काम कौन करेगा, तो मैंने कहा पैसे नहीं, सारे काम जो है वो जोरा इन पर्सन अपनी प्रेजेंस में, ये सिर्फ डेलीगेट नहीं करेंगी कि सिर्फ पैसे दे रही है, वो सिर्फ खुद इन पर्सन जो वो पैसे हैं वो, क्योंकि हम वैसे ही उनके साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन जहां पैसों की बात आएगी तो वो पूरी अकाउंटेबिलिटी वो जोरा की मेंटरिंग हब की जिम्मेदारी होगी। तो आई थिंक आज के प्रोग्राम में थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से फ्लो कर दिया, इसका प्रोसेस फ्लो बना दिया, क्योंकि मैं तो मेरे बस का काम नहीं, आप एक्सपर्ट है इसमें। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी आप इसकी ब्रिलियंट कॉन्वर्सेशन में, वो ये कि किरण फाउंडेशन में एक्चुअली ये पैसे कहाँ किस चीज पे लगे हैं, किस प्रोजेक्ट में वैल्यू एड हुई है जोएब, चाहे वो बच्चा है, एजुकेशन स्पॉन्सरशिप है या कोई दूसरा प्रोजेक्ट है जो डेवलपमेंट, हर चीज पता होगी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। इसी तरह रहनुमा ट्रस्ट के अंदर वो पैसे जो प्लेज दिए गए हैं वो पैसे कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, ताकि जो जो लोग अपने दिल से अपने मुल्क को और कम्युनिटी को देना चाह रहे हैं उनको पता हो कि एक्चुअली वो खुशी महसूस कर सके जोएब कि वो पैसा एक्चुअली किसकी जिंदगी कैसे बदल चुका होगा तब तक इंशाल्लाह। बिल्कुल, तो आई थिंक आज के प्रोग्राम के लिए ये अपडेट हमारे व्यूअर्स को पता चल गई कि पिछले प्रोग्राम ने एक टीजर था कि हम प्रोजेक्ट फीनिक्स है, आज थोड़ी डिटेल्स मिल गई, प्लेज अमाउंट भी पता चल गई और प्रोसेस भी पता चल गया, तो उसी तरह हम कंटिन्यू अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में और चीजों के बारे में भी करेंगे। तो बिल्कुल ठीक है, तो अब जल्दी से हम एक काम करते हैं कि एक बड़ा जरूरी सा सवाल है एड्रेस कर ले जोएब फिर इस एपिसोड में, मेरे दिमाग में है। जी बिल्कुल कर लेते हैं। अच्छा जी, और वो सवाल ये है जोएब
कि हम सब, और ये सवाल मैंने और आपने जब हम माइंडफुल मंडे कर रहे थे, नगेट्स करते थे, तब भी हमने एड्रेस किया था, हम अपनी अपनी छोटी छोटी पॉकेट्स में जुए. बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ना, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम सब जानते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू मेक अ डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू द सोशल सेक्टर और व्हेन इट कम्स टू एनी अदर सेक्टर. लेकिन हमें एक चीज मुझे लगता है हम हमेशा भूल जाते हैं जुएब, और हमारा ना वो डिमेंशिया या वो क्या कहते हैं उसको, एमनीजिया हो जाता है हमें, और हमें याद नहीं रहता कि कंसोर्टियम बनाना कितना जरूरी है. और जब कहीं जुएब कंसोर्टियम की या ग्रुपिंग की या कोलैबोरेशन की बात आती है, तो जो स्टेक होल्डर्स उस मार्केट में काम कर रहे होते हैं, उस डिवीजन में काम कर रहे होते हैं, उस जॉनर में काम कर रहे होते हैं, उनके और हम सबके वो फियर्स बाहर आ जाते हैं जुएब, कि अरे हम सब तो एक जैसे ही काम कर रहे हैं, देयर इज सो मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो ज्यादा मशहूर हो जाएंगे, हम कहीं पीछे ना रह जाए, हम मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा खर्च करें, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. होता क्या है कि इन दी एंड ये हो जाता है कि कंसोर्टियम कोई बनता नहीं है, हर इंसान एक छोटी छोटी पॉकेट के अंदर काम करता है, लेकिन इम्पैक्ट जो है जुएब वो कितना ज्यादा कम हो जाता है. क्या आप अग्री करते हैं एज एन एक्सपर्ट विद व्हाट आई हैव टू व्हाट आई थिंक अबाउट दिस, अबाउट द कंसोर्टियम नॉट बीइंग देयर? बिल्कुल, आई थिंक इसका मैं जवाब यूं दूंगा कि कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है शेयर्ड विजन. एक किताब भी है इसके बारे में, शेयर्ड विजन के बारे में. शेयर्ड विजन की स्टेप्स होते हैं, आई थिंक वो प्रोग्राम बहुत लंबा आ जाएगा, लेकिन फ्रॉम अ टीजर पर्सपेक्टिव बस मैं ये कहूंगा कि एक जब एक शेयर्ड विजन होता है तो वो एक पर्सन से शुरू होता है और फिर एक से दो होते हैं, दो से तीन होते हैं, लेकिन उसकी एक स्टेजेस होती है, एक लाइफ साइकिल. अगेन एक साइंटिफिक प्रोसेस है कि भाई क्या स्टेजेस होनी चाहिए जब एक शेयर्ड विजन को आप शेयर करते हो. इसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल इस तरह दूंगा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई थी तो वो एक से दो हुए, फिर तीन हुए और फिर एक प्रोसेस शुरू हुआ. तो वो शेयर्ड विजन की कोलैबोरेशन और वो सब चीजें का एक प्रोसेस है. अब साइंस ने उसको प्रूफ कर दिया है, ठीक है, पहली चीज. तो आई थिंक व्यूअर्स के लिए कॉन्सेप्ट शेयर्ड विजन को जरूर गूगल करें, उसकी स्टेजेस करें कि क्या होती हैं. तो आई थिंक आपके इस सवाल का जवाब के कंसोर्टियम में, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और आप कर रहे हैं, तो अगर मेरी जो मैंने जब एनजीओ खोली थी प्रमोट एजुकेशन, आपकी मेंटरिंग हब, हमारी कोलैबोरेशन हो रही है, तो इसमें सबसे पहली चीज यही आ जाएगी कि हमारी अग्रीमेंट क्या हो रही है, हमारी जो वर्क फ्लो है, प्रोसेस क्या है. क्योंकि शेयर्ड विजन जब हो गई और हमारा शेयर्ड विजन पता चल गया कि क्या है, तो बात बिल्कुल सही हो जाती है. और मैंने जैसे आज के प्रोग्राम में आपके साथ ये शेयर किया कि मेंटरिंग हब के पेज पे अपडेट होगी, तो ये एक डिसीजन है, म्यूचुअल डिसीजन है कि प्रमोट एजुकेशन के पेज पे नहीं होगी, ये मेंटरिंग हब के पेज में होगी. तो यहीं पर ही बात आ जाती है कि हम फिर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं, अकाउंटेबिलिटीज को डिफाइन करते हैं, कि जिस तरह एक प्रोजेक्ट प्लान, जब एक कंपनी में जब प्रोजेक्ट प्लान बनता है तो उसमें स्टेक होल्डर्स डिफाइन किए जाते हैं और स्टेक होल्डर्स के रोल्स डिफाइन किए जाते हैं. इसी तरह फिर जैसे एक टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जैसे होता है रेसी मॉडल, कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, कंसल्टेटिव रोल क्या होगा. तो ऐसी चीजों में वो चीजें जब क्लियर नहीं होंगी तो फिर कंसोर्टियम में हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कम्पीट करें कि किसी को मीडिया पर कवरेज मिल गई, किसी को नहीं मिली, क्या होगा. तो जब तक ये सारी चीजें प्लान नहीं होंगी, वो चीजें, ये फ्रिक्शन हमेशा रहेगी. तो हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर कंसोर्टियम ऑर्गेनाइजेशंस की होती है तो उसमें सिंपल सी बात है, डायरेक्टर या प्रेसिडेंट सेम नहीं हो सकते. जब कंसोर्टियम होगी तो जैसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी जब होते हैं, जब प्रेसिडेंट के ऊपर भी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें भी उनका एक हेड होता है. कहने को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट रिपोर्ट करता है, लेकिन उनका भी एक हेड होता है क्योंकि हायरार्की बहुत जरूरी है. तो इसी तरीके से जिस तरह एक अगेन व्यूअर्स को एग्जांपल देने के लिए कि मैं और आप जब काम कर रहे हैं तो ये डिस्कशन हमारी क्लियर है कि ये पेज पे जब अपडेट्स दी जाएंगी तो ये मेंटरिंग हब के पेज में होगा. तो ये डिसीजन हो गई है, इसका मतलब है प्रमोट एजुकेशन के पेज में या मेरी तरफ से मेरा रोल जो है वो है डोनेशन कलेक्ट करना फ्रॉम अ प्रोजेक्ट फीनिक्स पर्सपेक्टिव और एज एन एजुकेटर प्रोजेक्ट फीनिक्स की जो एजुकेशन चीजें जिनका पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना. तो ये रोल मेरा डिफाइंड है. मेंटरिंग हब में आपका रोल ये है कि आप क्योंकि पाकिस्तान में हैं, कराची में हैं, आप वहां काम ज्यादा कर रही हैं, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट और आपकी अथॉरिटी ज्यादा होगी, मुझसे ज्यादा होगी.
इसलिए क्योंकि आप वहां पे लाइव, आप बेसिकली हैंड्स एंड आईज हो वहां पे, ठीक है, जो इन द वीड्स में काम कर रहे हो, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट और आपकी डिसीजन मेकिंग में ये बात ऑलरेडी हमारी तय हो गई है कि मेरा इसमें कोई, मुझे आप बताओगी कि ज़ुएब हमें ये काम करना है. तो अगेन हम पार्टनर्स तो हैं, लेकिन फ्रॉम अ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं आपकी गाइडेंस को लुक फॉरवर्ड करूंगा कि किरण फाउंडेशन में जब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जब वर्कशॉप्स करेंगे तो आप मुझे बता रही होगी, मैं डिसीजन मेकर नहीं हूंगा इस चीज में. तो आई थिंक ये एग्जाम्पल्स हैं कि एक कंसोर्टियम में जब काम किया जाता है तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए. इसमें कोई पर्सनल चीज नहीं है. हाँ, अगर बात रिकग्निशन की आएगी तो फिर अगेन वो वाली, फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर ये बात अगर मीडिया में जाती है और मीडिया में कोई कवरेज करना चाहता है तो अगर आप जब बात करेंगी तो उसकी एक पूरी एसओपी होनी चाहिए कि उसका क्या वर्कफ्लो होगा. क्या अगर टीवी में कोई प्रोग्राम आएगा तो क्या, क्योंकि प्रोजेक्ट फीनिक्स में मैं और आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो क्या सिर्फ अकेले आप बात करेंगी या आप मेरे साथ बात करेंगी या मुझे कोई रीच आउट करेगा तो क्या मैं अकेला बात करूंगी या मैं आपके बगैर बात कर सकता हूँ कि नहीं. तो ये सारी अग्रीमेंट्स होंगी, साइन ऑफ होंगी, ताकि फिर एक कंसोर्टियम में क्लियर कम्युनिकेशन हो जाएगी कि देखें भाई, रिकग्निशन की बात होगी तो ये एक जॉइंट वेंचर है. तो अगर अगर आपको ज़ुएब से भी बात करनी है और मुझसे भी बात करनी है तो हमें एक ऐसा टाइम होगा जिसमें शिकागो और पाकिस्तान का टाइम म्यूचुअल. तो ये अगेन एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, इसमें कंसोर्टियम में आपस में लोग उसी वक्त फिर अग्री कर सकते हैं. हाँ, उसके बाद ये चीजें अग्रीड हो गई और अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल वर्क फ्लो तोड़ दिया और मुझे किसी मीडिया ने कॉन्टेक्ट किया और मैंने आपको भी नहीं बताया और अकेले खुद ही बात कर ली, तो फिर मैंने अकाउंटेबिलिटी नहीं की, ट्रांसपेरेंसी नहीं की, और जैसे कहते हैं कि मैंने खुद ही लड्डू खा लिया और अपनी रिकग्निशन लेके उन्हें ज़ुएब की वाहवा शुरू हो गई. तो ये तो हमने एक कंसोर्टियम में, फिर वही वाली बात है, यूनिटी तो नहीं शो करी हमने, ट्रांसपेरेंसी नहीं शो करी, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं की. तो ये चीजें, अगेन मैंने बहुत सारी बातें आपके सवाल में डाल दी, वरना ये टॉपिक्स भी एक इटसेल्फ एक ओन प्रोग्राम है. ट्रांसपेरेंसी कैसे किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी कैसे की जाएगी, स्ट्रेटेजिक एजिलिटी कैसे दिया जाएगा, प्रोजेक्ट प्लान कैसे बनाया जाएगा, लेकिन कंसोर्टियम बिल्कुल. तो आई थिंक कंसोर्टियम में उसी वक्त काम हो सकता है जब ये चीजें जो मैंने हाई लेवल पे बताई हैं वो कवर. बहुत अच्छी आपने बताई, लेकिन जो मेरा एक और सवाल है, प्लीज उसका जवाब दे दें मुझे जल्दी से, वो ये कि कंसोर्टियम क्या बनाना अच्छी बात है, क्या जरूरी है कि हमारे जैसे कम्युनिटीज के अंदर कंसोर्टियम्स को इनकरेज किया जाए, खास तौर पे जिस वक्त हम ऐसे सेक्टर्स के काम के बारे में बात करते हैं, चाहे वो ज़ुएब कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर, चाहे कोई भी सेक्टर हो, क्या आपको नहीं लगता कि कंसोर्टियम फॉर्मेशन एक बहुत बेहतरीन ऐसी चीज है कि जहाँ पे हम अगर अपने अपने स्ट्रेंथ्स, डिफरेंट लोग, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट एक्सपर्ट्स अपनी स्ट्रेंथ्स एक जगह से शेयर्ड विजन के तहत अगर काम करते हैं और सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ काम करते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से करते हैं. मुझे लगता है, आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट दैट यू आर, बट मुझे लगता है कि हम बेहतर अचीव कर सकेंगे और शायद टाइम से पहले अचीव कर सकेंगे कम्युनिटी गोल्स. आई थिंक आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अब वक्त ऐसा आ गया. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज हैं जो अपना अलग कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, लेकिन उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही. उससे हो ये रहा कि पॉकेट्स बन गई हैं, अपनी अपनी डिफरेंट पॉकेट्स बन गई हैं. और अब एजुकेशन की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो या एक्सेसिबिलिटी की बात हो, जो हम ये तीन डोमेन्स जो कवर कर रहे हैं, ये ग्लोबल इशू बन चुका है. और इस ग्लोबल इशू के लिए एक स्ट्रेटेजिक, वही अगेन शेयर्ड विजन में स्ट्रेटेजिक जो माइंडसेट है वो हमें चाहिए. ठीक है. हाँ, अपनी आइडेंटिटी हर कोई रखे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अमेरिका में भी अब कंसोर्टियम ऑफ इंस्टीट्यूशंस बन गई हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल बन चुका है कि पहले कुछ यूनिवर्सिटीज अपना अलग करती थी काम, अब एक बिजनेस मॉडल बन गया है जिसमें कंसोर्टियम ऑफ इंस्टीट्यूशंस टुवर्ड्स अ कॉमन गोल काम करती हैं, जिनका अपना बजटिंग है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन उस कंसोर्टियम का एक, सिर्फ मैं हाथ का विजुअल दूंगा कि हर उंगली अलग काम करेगी तो उसका अपना असर है, लेकिन अगर ये उंगलियां साथ मिलकर एक मुट्ठी बन जाएंगी तो उसका इम्पैक्ट ही अलग होगा. तो आई थिंक अब इम्पैक्ट की बात आ गई है, क्योंकि साइलोड में तो काम चलते ही रहते हैं माशाल्लाह से पाकिस्तान में, लेकिन कंसोर्टियम में जब गवर्नेंस होगी, शेयर्ड गवर्नेंस होगी, तो उसमें फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होंगी, तो रिजल्ट्स तेजी से किए जा सकते हैं. क्योंकि
अगर फॉर एग्जाम्पल जो कर रहे हैं मैं और आप पहले भी जब नहीं एक दूसरे को जानते थे तो अपने अपने सेक्टर्स में काम कर रहे थे, लेकिन जब मेरा और आपके मिलने से तो जो मेरा बेनिफिट जो है और जो आपका बेनिफिट है वो कंबाइंड हो गया। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कंसोर्टियम का, जिसमें जब शेयर्ड गोल्स विजन्स जब क्लेरिफाई हो जाएं तो काम करने के तरीके, क्योंकि मिशन मेरा भी चेंज नहीं हुआ, मिशन आपका भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब हमारे काम करने से वो चीज तेजी से बढ़ सकती है कि मैं अलग से अपनी प्लेज करके अलग से प्रोजेक्ट क्रिन फाउंडेशन के साथ करूं और आप अलग से प्लेज करके अलग से क्रिन फाउंडेशन के साथ प्रोजेक्ट करें, तो इससे तो बेहतर है कि साथ मिलके काम करें ताकि वो चीज स्पीड अप हो और शेयर्ड गवर्नेंस क्रिएट की जा सके ताकि हर सेक्टर साथ हो। क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन में वैसे ही ग्लोबल और सेंट्रलाइजेशन का, जिस तरह करिकुलम में सेंट्रलाइज की बात हो रही है, तो हमारे पास और कोई चारा है नहीं कि हमें अब शेयर्ड प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर की एजुकेशन हो या दीनी मदारिस के सेक्टर हो, अगर अच्छा किस तरह पढ़ाया जाए तो उसका सवाल अब मिलके हमें डिसाइड करना होगा। ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर का अपने रिसोर्सेज हैं तो वो इस तरह करेंगे, क्योंकि वो हो चुका, वो सब हो चुका और उसके रिजल्ट्स हम देख चुके हैं, लेकिन अब हमें मिलके काम करना है। साल हो गए हैं और बहुत प्यारे तरीके से ज़ुहेब आपने ये एक्सप्लेन कर दिया कि कंसोर्टियम्स फॉर्म करना कितना जरूरी है और अपनी अपनी हर इंसान के, जैसे उन्होंने बताया कि हर उंगली अलग लेकिन हर उंगली की स्ट्रेंथ अलग है, हर आदमी अपना अपना एक्सपर्टीज लेकर आता है। इसी तरीके से जब हम एक टीम में होते हैं, ज़ुहेब आप भी एग्री करेंगे, कम्युनिटी भी एग्री करेगी, कि जब टीम मेंबर्स में आपस में उनको पता होता है कि किसी एक की कमजोरी गोल कीपिंग है, जैसे फॉर इंस्टेंस मैचेस होते हैं, फुटबॉल मैचेस होते हैं, तो जो अच्छा गोल कीपर होता है वो कैसे किसी दूसरे टीम मेंबर को जो अच्छा गोल कीपर नहीं है सपोर्ट देता है ड्यूरिंग द मैच, इसको कवर करता है। इसी तरह क्रिकेट में होता है, इसी तरह और मैचेस में होता है कि टीम के अंदर जब काम किया जाता है तो जरूर ये हो सकता है कि किसी एक में जो स्ट्रेंथ है, जैसे ज़ुहेब में जो स्ट्रेंथ है वो मेरे में ना हो, जो मेरे में है वो ज़ुहेब में ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम फायदा फिर भी है अगर हम फिर भी अपने स्ट्रेंथ, चाहे वो डिफरेंट हो, एक जगह लाके काम करें और कंसोर्टियम की फॉर्मेशन के ऊपर जोर दें। खास तौर पे ये बात इसलिए जरूरी है आज ज़ुहेब, बिफोर वी रैप अप टुडेज प्रोग्राम, इसलिए कि जब कंसोर्टियम्स की बात आती है ज़ुहेब, ज्यादातर सवाल इतने ज्यादा होते हैं जिनके जवाब देने पड़ जाते हैं कि जो लोग कंसोर्टियम बनाने निकलते हैं ना वो थक जाते हैं सवालों के जवाब दे दे के। तो जो आपने रोल डेफिनेशन, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के तीन बड़े अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए ज़ुहेब, आई फील दे आर की टुडे इन आवर कॉन्वर्सेशन एंड आल्सो विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कंसोर्टियम। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक, और ये अगेन बिजनेसेस इसी तरह सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस, भले एनजीओस की हो या फॉर प्रॉफिट सेक्टर की हो, ये पिलर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को क्रिएट करने में, जिसमें ये चीजें जहां होंगी वहां कोई भी काम होगा सक्सेसफुली चलेगा। परफेक्ट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और आज की फिर हमारी बात छोटी सी लेकिन क्रिस्प सी आपके लिए इतनी ही। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में और अगले एपिसोड में आपके पास आएंगे दोबारा अपने एक्सपर्ट से और अच्छी बातें समझने के लिए। लेकिन आज का की गिव अवे जिसमें एक किरण फाउंडेशन को जाएगा, एक रहनुमा ट्रस्ट को जाएगा और एक्सेसिबिलिटी के जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं उनमें जाएगा, जिसमें वन ऑफ द इनिशिएटिव्स जो है वो आपने बैतुल माल का बताया। इन तीन सेक्टर्स को अगर हम हाई लेवल में समराइज करें तो वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, ये तीन ऐसे डोमेन्स हैं जिनको हम टैकल करना चाह रहे हैं। मेरी और आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो एज एजुकेटर्स है वो तो कंटिन्यू रहेगी, जो हम वॉलंटियर करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट फिनिक्स में जो प्लेज है वो है 21 लाख का, जिसमें 7 लाख मतलब किरण फाउंडेशन, 7 लाख ट्रस्ट को और 7 लाख रहनुमा ट्रस्ट को और 7 लाख एक्सेसिबिलिटी के इनिशिएटिव में जाएंगे। हमारी ये इंटेंशनल अमाउंट थी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्लेज नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं उतना काम करें जितना हम अकाउंटेबिलिटी भी शो करें और अच्छे तरीके से उसको रैप अप करें, ताकि लोगों को भी लगे कि ये ऑनगोइंग चीज हमने नहीं की है, हमने एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव शुरू किया है। नेक्स्ट चीज ये कि उसके बाद जब ये जब प्लेजेस जो हम लोग और जिस पे चीजों पे काम कर रहे हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी और अपडेट्स के लिए मेंटरिंग हब के पेज पे जब वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी तो जो डोनर्स हैं वो एग्जैक्टली देख सकते हैं कि उनके पैसे किन चीजों में लग रहे हैं, और कोशिश यही होगी कि वो उस पेज के थ्रू सारी चीजें
लोगों को समझ में आ जाए, ताकि जिनके जो जितने भी जो पैसे जो कंट्रीब्यूट हुए हैं वो देख सकते हैं कि वो इन तीनों जो हमने सेक्टर्स की बात की है वो किस तरह अप्लाई किए जा रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्त, तो बड़ा अच्छा सा रिकैप हो गया और कंसोर्टियम की इम्पोर्टेंस पे भी हमारी आज बात हो गई है। और ये सवाल इसलिए उठाया गया है क्योंकि मेंटरिंग हब और प्रमोट एजुकेशन का प्रोजेक्ट फीनिक्स जोएब के साथ, जोरा के साथ, हमारी टीम्स के साथ, हमने इसी थ्रेशहोल्ड को क्रिएट करने, इसी ग्लास सीलिंग को जो है ब्रेक करने के लिए लॉन्च किया है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इंशाल्लाह, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की सपोर्ट और इनकरेजमेंट और अल्लाह सुभान व तआला की इज़्ज़त और रहमत के साथ हम ये चीज एक्चुअली प्रूव करके एज अ पेट प्रोजेक्ट दिखा सकेंगे इंशाल्लाह जो है बाय द एंड ऑफ 2021 कि अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर और जिस तरह हमें हमारा एक्सपर्ट ने बड़े अच्छे से बताया, स्ट्रेटेजिक एजिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और पूरे परफेक्ट अकाउंटेबिलिटी के साथ अगर ये प्रोजेक्ट्स किए जाएं तो पूरी दुनिया में ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो हमारी तरह औरों की तरह ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज को दूर बैठे हुए भी खास तौर पे अपने मुल्क को वापस गिव बैक करना चाहते हैं, है ना जुए? बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि आपकी इस एक्सप्लेनेशन से की के वे यही है क्योंकि माशाल्लाह से पाकिस्तान में जो नॉन सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी अपना एक काम करते हैं, लेकिन लोग फिर सेलिब्रिटी के अपनी एक ब्रांडिंग होती है, लेकिन हमारी इंकरेजमेंट ये कि मैं और आप एक आम लोग हैं जो एजुकेटर्स हैं और इन चीजों में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्रांड होना जरूरी नहीं है। अगर एज लॉन्ग एज ट्रांसपेरेंसी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी हर चीज क्लियरली आइडेंटिफाइड है और लोगों को जो आप पे ट्रस्ट होगा, तो उसके लिए आपको सुपरस्टार होने की जरूरत नहीं है, कोई भी ये कर सकता है। और हमारी कोशिश यही है कि थ्रू ट्रांसपेरेंसी और जिस तरह मैंने पेजेस के बारे में बताया था कि उस तरह लोगों को पता चलेगा ताकि और लोग भी इससे मोटिवेट हो सकें कि ये एक स्ट्रक्चर है जो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। परफेक्ट हो गया। और जाने से पहले एक खुशखबरी दे दूं, गुड न्यूज है जुबेब, वो ये कि आज मेरी एक ऐसी खातून से बात हुई है जिनको मैं आज मेंशन करना चाहूंगी प्रोग्राम में। शी इज द मदर ऑफ, हाँ मैं उनको इसी तरह रेफर करना चाहूंगी जुबेब, शी इज द मदर ऑफ अली हबीब हु पास्ड अवे सैडली इन 2019। ही वाज अ मसल डिस्ट्रोफी पेशेंट एंड द सन ऑफ दिस ब्रिलियंट मदर जिनकी मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। आज इसलिए उनका जिक्र कर रही हूँ जोएब कि आज पहली दफा मेरी उनसे बात हुई है। एंड देयर इज अ फाउंडेशन दैट दैट चाइल्ड हैड मेड बिफोर हिज पासिंग अवे जिसका नाम हबीब फाउंडेशन है, इस्लामाबाद बेस्ड है ये मदर। और आज ही मेरी उनसे जब गुफ्तगू हुई है तो मैं उनको इसलिए मेंशन करना चाहती हूँ कि देखिए जोएब, आपको बताना चाह रही हूँ किस तरह सिलसिला जुड़ता चला जा रहा है। और जब मेरी इनसे बात हुई तो पता ये चला कि ये रोशन सितारा हबीब जो था हमारा बच्चा मसल डिस्ट्रोफी के पेशेंट, ऑल्दो मदर जो थे और फादर, उन्होंने बहुत कोशिश की और इतने अच्छे थेरेपीज और डॉक्टर्स को अवेलेबल कर पाए, लेकिन वो सैडली लूज कर गया अपनी हेल्थ और मसल डिस्ट्रोफी टुक ओवर हिम, जाहिर है, एंड ही पास्ड अवे। लेकिन एट द सेम टाइम द मदर एंड द पेरेंट्स वांट द फाउंडेशन टू ग्रो, क्योंकि उस बच्चे का विजन ये था जुएब कि वो चाहता था कि मसल डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स को लेके जो मिथ्स हैं, थेरेपीज अवेलेबल नहीं है, वो चाहता था कि वो ऐसी कोई फाउंडेशन चलाए अपने नाम से, बीइंग अ मसल डिस्ट्रोफी पेशेंट, जो कि अवेयरनेस और ऐसे डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स के लिए कारामद हो। कैन यू बिलीव इट? सो वी थैंकफुली गॉट कनेक्टेड टू हर और जुएब, हमने आज ही उनको ये अपनी तरफ से कहा है, खुद ऑफर किया है दैट वी वुड लाइक टू गेट टू नो मोर अबाउट द फाउंडेशन टू सी इफ वी कैन ब्रिंग फोर्थ हबीब आवर सुपरस्टार्स मिशन फॉरवर्ड। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम होगा। मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ, तो आज मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज अल्लाह सुभान व तआला ने हमें बड़े प्यारी माँ से, एक बड़े प्यारे घर से जोड़ा है। शी इज एन एजुकेशनिस्ट फॉर द पास्ट 13 ईयर्स जुएब, एंड शी इज अ टीचर ऑल्सो। लेकिन हमने आज उनसे वादा किया, आप जरूर दुआ करिएगा और मैं दुआ करती हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट फीनिक्स इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह जुएब इतना स्ट्रांगली ग्रो कर जाए कि हम इसी तरह और बहुत सारे ऐसे लोग जिन तक आप जैसे एक्सपर्ट्स की रसाई नहीं है जुएब, जिन तक वो रिसोर्सेज या वो इंटरवेंशन नहीं पहुंच पाते, उन तक पहुंचा सकें, है ना इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बस फिर आज के लिए इतना ही। एंड वील कम बैक अगेन विद अनदर एपिसोड, फायर क्रैकिंग एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट फीनिक्स अगेन विद जुएब मिर्ज़ा, इंटरनेशनल एक्सपर्ट एंड प्रमोट एजुकेशन। अपना ख्याल रखिएगा, वील सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गॉड ब्लेस, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।